आज का विषय है नींद नहीं आती है, इंसोमनिया, मतलब नींद नहीं आना। अब नींद नहीं आने के पीछे बहुत सारे रीज़न है, उसके पीछे स्ट्रेस भी हो सकता है, उसके पीछे जो है वो हमारा सेडेटिव लाइफस्टाइल है, ठीक है। और दूसरा ये है कि नींद आना मतलब क्या है कि जैसे आप बेड पे जाएंगे आप सो जाना चाहिए, ठीक है। तो 7 से 8 घंटा नींद कंपलसरी है, जो कि सबको आना ही चाहिए। जब आप रात में अच्छे से सोते हैं और सुबह जब उठते हैं तो आपको एकदम फ्रेश लगता है। तो आज हम क्या करेंगे, मैं आपको 3 तरीके बताता हूँ या फिर 3 अलग अलग ट्रीटमेंट बताता हूँ, उसके वजह से क्या होगा कि आपका जो नींद का जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो नींद नहीं आती है उसके पीछे अगर देखा जाए तो साइंस ये कहता है कि अगर आपका जो गॉल ब्लैडर है उसमें अगर ज़्यादा एनर्जी हो जाए तो नींद नहीं आती है, मतलब हीट ज़्यादा बढ़ जाए तो नींद नहीं आती। उसी में अगर हीट कम हो जाए, मतलब कोल्डनेस ज़्यादा आ जाए, तो नींद बहुत आती है। लीवर और गॉल ब्लैडर, ये दोनों दो जो चीज़ें हैं, जो जो ऑर्गन्स हैं, ये दोनों ऑर्गन्स हमारे नींद के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो नींद के लिए हम क्या करेंगे कि गॉल ब्लैडर और लीवर दोनों पे काम करेंगे, ठीक है। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक्यूप्रेशर 2 पॉइंट्स बताऊंगा जिस पे हम क्या करेंगे कि गॉल ब्लैडर के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो ओवर एनर्जी, ओवर एक्टिव जो गॉल ब्लैडर या फिर ज़्यादा एनर्जी जो हो गई है या फिर ज़्यादा हॉटनेस जो हो गया है उसको हम क्या करेंगे, कम करें, ठीक है। उसके वजह से क्या होगा कि आपको नींद अच्छे से आएगी। दूसरा हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपके आपने अगर मेरे पहले वाले ट्रीटमेंट देखे होंगे जिसके अंदर हम 3 चीज़ों पे काम करते हैं, एक तो हम करते हैं एक्यूप्रेशर हाथों के ऊपर, दूसरा हम करते हैं योग मुद्रा, तीसरा हम करते हैं प्राणायाम। अगर आप भी ये 3 चीज़ें करेंगे तो आपको डेफिनेटली ये नींद नहीं आने का जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि स्ट्रेस बहुत है फिर भी नींद नहीं आएगी, बहुत सारा टेंशन है फिर भी नींद नहीं आएगी, या फिर रात को लेट नाइट हम काम करते हैं उसके वजह से भी नींद का प्रॉब्लम है, जो कि रात भर जो जॉब करते हैं, ड्यूटी करते हैं या फिर काम करते हैं उनको दिन में सोना पड़ता है, तो ये जो साइकिल है हमारा ये पूरा डिस्टर्ब है। तो हमें क्या करना है उसके लिए, साइकिल को धीरे 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 ट्रैक पे लाना है। ट्रीटमेंट तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम जो है हमारा साइकिल जो है, लाइफ साइकिल जो है ट्रैक पे आ जाए। अभी लाइफ साइकिल ट्रैक पे आना मतलब क्या है कि शाम को जल्दी खाना खाना चाहिए ताकि जब तक आप सोने जाए तब तक आपका खाना हजम हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है। क्योंकि क्या है, जैसे हम हमारे टाइम के हिसाब से काम करते हैं, जैसे कि हम हमारे टाइम पे जॉब पे जाते हैं, काम पे जाते हैं, घर पे आने के बाद हम हमारा काम करते हैं, ये सब कुछ सिस्टमेटिक टाइम से करते हैं हम लोग, वैसे ही क्या है कि हर एक ऑर्गन्स का भी एक टाइम होता है जो कि ऑप्टिमम एनर्जी होती है उस टाइम पर, उस ऑर्गन पर, ठीक है। तो अगर हम हमारे हिसाब से, हमारा जो क्लॉक है उस हिसाब से हम काम करेंगे तो क्या होगा कि बाकी ऑर्गन्स, पूरा बॉडी का जो सिस्टम है वो भी उस हिसाब से काम करेगा ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जल्दी से जल्दी सोने का प्रयत्न करेंगे, हम सुबह जल्दी उठेंगे, हम सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे, हम योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, ठीक है, प्राणायाम करेंगे, योग मुद्रा करेंगे, यह सब चीज़ें अगर हम करते हैं तो डेफिनेटली हमको यही क्या, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, आई एम केदार, आई एम अ स्पिरिचुअल हीलर एंड TCM प्रैक्टिशनर। प्लीज गूगल केदार स्पिरिचुअल हीलर फॉर मोर डिटेल्स। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल टिल नाउ, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियोस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे हम एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर कहाँ करना है हमें, एक्यूप्रेशर हम करेंगे हाथों के ऊपर, दोनों हाथों के ऊपर, ठीक है। तो मैं आपको 2 पॉइंट्स बताऊंगा जो कि हम गॉल ब्लैडर पे काम करेंगे, ठीक है। उसमें 2 पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट जो है वो हमारे मिडिल फिंगर पे है, मिडिल फिंगर पे है, यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले ये जो मिडिल फिंगर का जो नेल्स खत्म हो जाता है उसके नीचे इन द सेंटर एक्जैक्टली यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है। और उसके नीचे ये जो दोनों जॉइंट है हमारे, ये 2 जॉइंट है, उसके बीचों बीच एकदम सेंटर में ये दूसरा पॉइंट है। ये दोनों भी पॉइंट जो है वो गॉल ब्लैडर के पॉइंट है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट हमें क्या करना है, हमारे दोनों हाथों पे करना है, ठीक है। तो एक है GB 43 है यहाँ पर ऊपर वाला, और इसके नीचे वाला GB 37 है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट है, हम दोनों पॉइंट के ऊपर काम करेंगे। अभी इससे हमें करना क्या है, इसको हमें क्या करना है कि इसके ऊपर हमें, आपके पास अगर मैग्नेट है
सेडेशन टोनिफिकेशन वाला अगर मैग्नेट है तो आप उसे इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके पास मैग्नेट नहीं है तो हमें क्या करना है, हमें ये ब्लैक पेपर यूज़ करना है, ठीक है, जो कि मैं सब ट्रीटमेंट में यूज़ करता हूँ। ब्लैक पेपर का ये जो दाना है, सीड है, इसे हम यूज़ करेंगे किसके साथ, इसके साथ हम यूज़ करेंगे ये वाइट टेप। ये जो वाइट टेप है ये आपको केमिस्ट शॉप में मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक पीस ऑफ वाइट टेप निकालेंगे, इसको कट करेंगे और इसे हम क्या करना है, एक ब्लैक पेपर का सीड लेना है इस तरीके से, ठीक है, देखिए इस तरीके से। और ये जो पॉइंट है, ये पहला जो पॉइंट है हमारा GB43, उसके ऊपर हम इस तरीके से इसको लगा देंगे, ठीक है ना, देखिए इस तरीके से हम इसको लगा देंगे। इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रेशर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो इसे हम कब लगाना है, इसे हमें लगाना है रात को, रात को सोने से पहले हमें लगाना है, और सुबह जब उठ जाएंगे उसके बाद हमें इसको निकाल देना है, ठीक है। ये हुआ पहला पॉइंट। अभी फिर और एक पीस ऑफ वाइट टेप लेंगे, इसको इस तरीके से हम कट करेंगे, ठीक है, और इसके ऊपर फिर से हम क्या करेंगे, एक ब्लैक पेपर लगाएंगे, देखिए इस तरीके से मैंने बीचों बीच लगा दिया इसे। तो इसे हम क्या करेंगे, अभी ये जो हमारा दूसरा पॉइंट है ये है GB37, एग्जैक्टली बीचों बीच जो है उसके ऊपर हम इस तरीके से इसको पेस्ट कर देंगे। देखिए ये हो गया अभी हमारे दोनों पॉइंट्स, ठीक है। तो इसे हमें क्या करना है, दोनों भी हाथों में लगाना है, एग्जैक्ट दोनों हाथों पे ये दोनों भी पॉइंट लगा देना है। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है, इसको हम स्टिमुलेट करेंगे और छोड़ देंगे रात भर के लिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये जब लगाएंगे हम इसके बाद हमें सो जाना है, ठीक है। तो जल्दी नींद आने के लिए फिर से क्या करना पड़ेगा, टीवी बंद कर देना पड़ेगा, फ़ोन स्विच ऑफ कर देना पड़ेगा, लाइट्स ऑफ करना पड़ेगा, बेड पे जाना पड़ेगा। आप जल्दी जल्दी जाएंगे सोएंगे इस, तो आप जल्दी सुबह मॉर्निंग में उठेंगे, आपकी नींद अच्छी हो जाएगी। तो ये दो पॉइंट जो है हमें दोनों हाथों के ऊपर करना है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एक्यूप्रेशर, ठीक है। चलिए दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा, हमको क्या करना है, मुद्रा करना है। मुद्रा हम कितना मिनट करेंगे, 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम को, जब भी आपको टाइम मिले, आप जो भी कर रहे हैं आपको मुद्रा करना है। कौन सी मुद्रा करेंगे हम, हम करेंगे प्राण मुद्रा, प्राण मुद्रा, ठीक है। प्राण मुद्रा कैसे करना है, ये दो उंगलियां जो है, इंडेक्स फिंगर और ये हमारा जो मिडिल फिंगर है, उसको सीधा रखना है, बाकी के जो तीनों उंगलियों टिप से उसको हमें जॉइंट करना है इस तरीके से, ठीक है। तो इस मुद्रा में आप बैठ जाइए, इस मुद्रा में आप लेट जाइए, इस मुद्रा में आप टीवी देखिए, इस मुद्रा में आप बात कीजिए फ्रेंड्स से, कलीग से, आपके ऑफिस में, आपके घर पे, कहीं पे भी, ठीक है। अल्टीमेटली करना क्या है, इसको लगा के रखना है बस, बहुत ही पावरफुल मुद्रा है, ठीक है। इससे क्या होगा, प्राण वायु बढ़ेगा हमारे पूरे शरीर में, ठीक है। चलिए ये हो गए 2-3 मिनट, अभी तीसरा क्या करना है, तीसरा हमें करना है प्राणायाम। अब आज हम कौन सा प्राणायाम करेंगे, आज हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में क्या होता है कि हमको जो हनी बीज होती है, हनी बीज जब उड़ती है तो उनके पंखों का आवाज़ आता है, उसका आवाज़ हमें निकालना है, ठीक है। तो वो किस तरीके से करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप अगर कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है, अगर आप नहीं कर रहे तो प्राणायाम करना शुरू कर दीजिए, अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये तो हमें करना ही करना है हर रोज, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ बैठिए आप, हम साथ में करते हैं, ठीक है। तो साथ में प्रैक्टिस करेंगे कि ये भ्रामरी कैसे करना है, ठीक है। आप एकदम अलती पालती डाल के नीचे बैठ जाइए, आप चेयर पे बैठे हैं, आपको नीचे नहीं बैठना नहीं होता है, आप जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर आप कर सकते हैं, इसके लिए कोई नहीं है, ठीक है। चलिए तो करना क्या है, रात को सोने से पहले अगर आप अनुलोम विलोम और कपालभाति, अनुलोम विलोम बहुत ही बढ़िया है, अनुलोम विलोम आप 5 मिनट करते हैं तो आपको गहरी नींद आ जाएगी रात भर, ठीक है। गहरी नींद मतलब क्या है कि रात में आप सो गए और सुबह उठ गए, बीच में कोई उठा मतलब उठना नहीं है, कुछ नहीं है, आप आराम से सो जाएंगे, उसको गहरी नींद बोलते हैं। और जब आपको गहरी नींद आती है और जब आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आपको एकदम फ्रेश लगता है, पूरा दिन जो है एकदम पॉजिटिव जाता है, ठीक है। इसलिए नींद बहुत ज़रूरी है। चलिए करते हैं भ्रामरी। भ्रामरी में करना क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये जो हमारे दो इंडेक्स फिंगर है इसको हमें रखना है ऊपर यहाँ पे, ठीक है। बाकी 3 फिंगर जो है उसे आँख बंद कर लेना है, ठीक है। इंडेक्स फिंगर आई यहाँ पे, 2 अंगूठे इससे हमें क्या करना है, हमारा कान बंद कर देना है, कान बंद कर देना है, देखिए, ठीक है। इस तरीके से मैं कर रहा हूँ, बहुत ही ईजी है, सिंपल, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, सिर्फ हाथ ऊपर रखना है, टच करना है हमें सिर्फ बस, ठीक है। और दोनों कान बंद, दोनों कान बंद जब करेंगे तो आपको बिल्कुल बाहर का आवाज़ नहीं आएगा, ठीक है।
तो अभी इस सिचुएशन में क्या करना है, इनहेल करना है, नाक से इनहेल करना है, और जब हम एक्सहेल करेंगे तो हमें ओम का जाप करना है। लेकिन ओम जो हम करेंगे वो हम मुंह से नहीं करेंगे, हम नाक से करेंगे। देखिए अभी मैं आपको बताता हूँ, बहुत सिंपल है, आप भी कीजिए मेरे साथ। इस तरीके से कान बंद कर दीजिए, ठीक है। कीप योर बैक स्ट्रेट, कीप योर हेड स्ट्रेट, बी रिलैक्स, ठीक है। अभी हम इनहेल करेंगे नाक से मैक्सिमम, फिर से इनहेल करेंगे, रिलैक्स। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, आपसे जितना हो सके उतना आप कीजिए, ठीक है। हर रोज अगर 5 मिनट करते हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। इससे क्या क्या होगा, इससे बहुत सारे फायदे होंगे, लेकिन इससे क्या होगा कि आपको नींद बहुत अच्छे से आएगी, आप आराम से सो जाएंगे रात में, ठीक है। दूसरी बात यह है, स्ट्रेस लेवल पूरा कम हो जाएगा, टेंशन गायब हो जाएगा, आप एकदम रिलैक्स फीलिंग करेंगे, पूरी निगेटिव एनर्जी जो इससे निकल जाती है। बहुत सारे फायदे हैं एक प्राणायाम के वजह से, ठीक है। तो प्राणायाम हर रोज़ करना ही है, अनुलोम विलोम करना है, कपालभाति करना है, ठीक है। ये उज्जयी प्राणायाम करना है, वो भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। आप शीतली शीतकारी करते हैं तो और ही बहुत बढ़िया है। आपसे जितना हो सके 5 मिनट 10 मिनट हर रोज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये 3 ट्रीटमेंट आप कीजिए, आपका जो इंसोमिनिया का नींद नहीं आने का प्रॉब्लम है ना, वो 100% सॉल्व हो जाएगा। आपके जो भी क्वेश्चन है प्लीज़ राइट डाउन इन इनबॉक्स, आई विल बी मोर हैप्पी टू आंसर योर ऑल द क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम टेक केयर, नमस्कार।